Prime Minister Narendra Modi on Monday attacked the opposition parties for stalling parliament and accused them of running away from a debate on demonetization to safeguard the corrupt. मैं हैरान हूं एक तरफ हम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो संसद बंद हो संसद बंद पूरा महीना संसद चलने नहीं दी ये संसद क्यों चलने नहीं दी भाई पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की राष्ट्रपति के कहने के बाद भी हो हल्ला करते रहे नारे बुलाते रहे ये इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी इससे वो भाग रहे थे डर रहे थे अब तक जिन्होंने सरकारें चलाई हैं उनके लिए हिसाब देना जरा महंगा पड़ रहा था और इसलिए संसद में हो हल्ला करो नारेबाजी करो स्पीकर महोदयों पर कागज के टुकड़े फेंको यही काम करते रहे अरे म्युनिसिपैलिटी में चुने हुए लोग भी ऐसा व्यवहार करने से पहले 50 बार सोचते हैं देश की संसद को उसकी गरिमा को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाने का प्रयास मेरे देशवासियों ये बातें सामान्य नहीं है गंभीर है देशवासियों को समझना होगा संसद पहले भी रुकती थी संसद में पहले भी रुकावटें आती थी लेकिन तब रुकावटें आती थी क्योंकि विरोधी दल मिलकर के बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे घोटालों को उजागर करना चाहते थे घोटालेबाजों को सजा मिले इसकी मांग कर रहे थे और इसलिए कभी कभी संसद में व्यवधान आते थे पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेईमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी विरोधी दल बेईमानों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे मोदीज कमेंट्स कम आफ्टर वर्चुअली द एंटायर विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट वाज वॉश्ड आउट ओवर द गवर्नमेंट्स नवंबर 8 डिसीजन ऑफ स्क्रैपिंग ₹500 एंड 1000 नोट्स टू कर्ब ब्लैक मनी करप्शन एंड टेरर फंडिंग आईएमएस रिपोर्ट